So, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर द वीक के इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर चुका है। लास्ट वीडियो सेशन में दोस्तों हमने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी अगर 52,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करेगा तो यहां से हमको एक अच्छा खासा 2,000 पॉइंट की रैली दिखाई दे रही है, राइट। और आप जाके देखेंगे, अभी हम उस पर एनालिसिस भी करेंगे कि बैंक निफ्टी लगभग 54,000 54,000 के आसपास पहुंच चुका है। ऊपर का लेवल का क्या, इन्हीं बातों पे आज जो है विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों वो बेहतरीन स्टॉक जो मेरे रडार पे आया हुआ है, उसके साथ ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों किसी भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो यहां से दोस्तों ग्लोबल जो मार्केट है इसको हम एक बार चेक करते हैं, ग्लोबल मार्केट को, और देखते हैं कि क्या मार्केट कहना चाहता है यहाँ पे, राइट। तो चलिए, लास्ट दिन पे दोस्तों जो डाउ जोन्स है उसने 38.17 पॉइंट्स की तेजी के साथ जो है ना सौदा बंद किया हुआ है। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं चेक करते रहता हूँ साथ ही है ब्रेंट, राइट। ब्रेंट दोस्तों 73.865 डॉलर प्रति बैरल का जो होता है 1,000 बैरल का, वो चीजें यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ अगर रुपए की बात की जाए दोस्तों, रुपए में अभी तक दोस्तों अप्रोक्स अप्रोक्स 57 पैसे का लगभग ऊपर उसके तेजी यानी मजबूती देखने को मिली है। यानी $1 की कीमत अभी जो है भारतीय रुपए की बात की जाए तो 83.4650 रुपए है। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि रुपए में अभी जो है कम से कम जो है 14 से 30 पैसा, 30 नहीं 34 पैसा है, 14 से लेके 30 पैसे की मजबूती और आ सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को अगर मैं यहां से इसको एज इट इज दिस वन, सो मैं अगर इसको इस पॉइंट से एड ऑन करने की कोशिश करूं, वेट दिस वन, राइट, तो आपको देखिएगा फ्रेंड्स कि ये प्राइस जो है यहां से इसको ब्रेक करने में काफी दिक्कतें हो रही थी, और प्राइस जो है हाल फिलहाल में एक अच्छा ब्रेकआउट जो है देखने को मिल रहा है। लास्ट वीकली सेशन में दोस्तों हमने यहां से बोला था आपको कि मार्केट जो है एक जब गिरावट हो रही थी चुकी है कि इंपॉर्टेंट लेवल पे यहां पे खड़ा था, यहां पे इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा था, और अभी जो है 26 के मिनिमम है दोस्तों। यहां से 26,100 जो कि अगला हर्डल हमें फेस करने को मिल सकता है, और इसके साथ दोस्तों 26,265 का जो लेवल है दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो ये तो है फ्रेंड्स निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल। अगर आप इस लाइन को आप डाउन साइड से भी इसको कंटिन्यूअस करेंगे फ्रेंड्स, यहां से अगर आप इस जोन को भी करेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस जो है एक अच्छा खासा तेजी दिखा रहा है। साथ ही साथ आप ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों कि यहां से ये लेवल जो है यहां से एक ब्रेक आउट आता हुआ आफ्टर देन हमें यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, राइट। तो मार्केट में फ्रेंड्स अभी जहां तक बात है, देखिए कोई भी ऐसा कुछ सिम्टम नहीं दिखा रहा है। 26,000 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा जो 3 पॉइंट बोला 26 के, 26,100, और जो सबसे मेजर है दोस्तों 26,265 का लेवल, 65-70 प्लस माइनस ले लीजिएगा, राउंड फिगर अगर लेंगे तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों है निफ्टी का एक संक्षिप्त, नहीं मतलब बोलूं शॉर्ट में जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अब बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में दोस्तों लास्ट टाइम जो है हमने आपसे कुछ चीजें बोली थी, तो आइए एक बार फोकस कर लेते हैं क्या हमने लास्ट टाइम पे आपसे बोला था। क्या वो हैंगी होता है नहीं, फिलहाल वीकली अच्छा क्लोजिंग हुआ है। तो अगर रिट्रेसमेंट की बात की है तो 51,770 के आसपास, 51,700 के आसपास जो है एक रिट्रेसमेंट करके 52,000 के ऊपर इसको टिकना चाहिए। अगर निफ्टी बैंक टिक जाता है तो हम जहां तक मैं टेक्निकल एनालिसिस कर पा रहा हूँ, तो अगर रेंज टू रेंज बात की है दोस्तों तो एक 4,000 पॉइंट का एक रैली दिखता है। तो देखा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आपसे बोला था कि 2,000 पॉइंट का रैली दिखता है,
रैली 1 2 3 4 5 कैंडल ये था। और आप समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां से जो कि प्राइस मैं बता रहा हूं, आप देखिए देखिए 2100 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेट रैली हो चुकी है, लगभग 4% का, राइट। और ये हुआ है केवल और केवल और 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि आप देखेंगे इसका हाईज भी फ्रेंड्स 54,000 की ही बनी हुई है। वीडियोस को आप पूरा देख लीजिएगा, वीडियोस आप लोगों को देखा नहीं है प्यार मोहब्बत शेयर नहीं करते, कोई बात नहीं है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, जैसा आपको समझ में आए। लेकिन चूंकि हमारा काम है एनालिसिस करना, और इस एनालिसिस से दोस्तों मेरी एनालिसिस भी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। तो ये था दोस्तों जो है निफ्टी बैंक। आइए अब चलते हैं इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला जो हर्डल की अगर बात की जाए इसमें, तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है। सबसे पहला फ्रेंड्स कि आपकी जो रुकावट होगी ये 53,350 जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, कितना 53,350, ये इसका एक जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप एक यू नो सपोर्ट जोन कह सकते हैं, रिट्रेसमेंट जोन कह सकते हैं। साथ ही साथ 54,000 दोस्तों ये तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है ही, राइट, ऊपर के लेवल पे, राइट। इसके ऊपर अगर बात की जाए दोस्तों तो अगर ये 54,200, ध्यान रखिएगा 54,200 के लेवल्स को तोड़ता है, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ फ्रेंड्स, फिर हम जो है 55K यहाँ हम पहुंच जाएंगे। और इसके ऊपरी जोन यानी जो एक रेंज की बात की जाए दोस्तों तो 55,800 जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। तो ये तीन जो है हमारे पास जो है अभी रेजिस्टेंस, और दो जो है अभी हमारे पास सपोर्ट जोन बने हुए हैं। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का ओवरऑल हिसाब किताब। आप समझ सकते हैं मैंने क्या बोला, मार्केट अभी क्लोज है 53,793 के आसपास, तो फिर 54,000 दोस्तों इसके लिए एक हर्डल पैदा करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितने आ गए दोस्तों, 1 2 3 और 4, राइट। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है सपोर्ट के रूप में दोस्तों। अभी फिलहाल जो मेजर है वो है 53,350 का लेवल, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिकन्फर्म करता हूँ, ठीक है 350, 300 भी कर लीजिएगा, ठीक है 53,300 भी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जाता है, राउंड फिगर नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी में राउंड फिगर नंबर का 300 ही आता है। दोस्तों स्क्रीन पे सबसे पहला जो स्टॉक आपको दिख रहा है उसका नाम है कार ट्रेड टेक लिमिटेड, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और प्राइस आप देखेंगे दोस्तों कि इसने जो है जो क्लोजिंग है इसका फ्रेंड्स वो 995.15 1995 15 7 के साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कैंडल बना हुआ है। इसके पीछे हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, और ये अपने एक इंपॉर्टेंट हर्डल को भी ब्रेक कर रहा है जिसका वॉल्यूम्स काफी हाई था और एक ऑपरेटर की एंट्री थी यहाँ पे। कैंडल क्लोज होने के बाद दोस्तों ये वीक में जो है नीचे क्लोज नहीं होने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। स्टॉक की बात की जाए दोस्तों तो पिछले अगर लेवल की बात की जाए 2021 के इंपॉर्टेंट सेलर बायर झगड़े को जो है ये ब्रेक कर चुका है और ऊपर काम कर रहा है, राइट। साथ ही साथ अगला जो दोस्तों लेवल निकल के आएगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस स्टॉक्स में दोस्तों, वो है अप्रोक्सीमेट 1294 और 1422 के आसपास का लेवल, ठीक है, यही पे कहीं जो है इंपॉर्टेंट लेवल इसका जो निकल के आता है, वेयर दिस वन, ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों यही इसका एक रेंज है जहां पे आपको डिमांड और सप्लाई जोन मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम बायर सेल में झगड़ा हुआ है यहाँ पे। ये प्राइस में अप्रोक्सीमेट आप समझ सकते हैं 200-300 पॉइंट्स की रैली आराम से आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है, रडार पे जरूर रखिएगा इस स्टॉक को। दूसरी बात है दोस्तों 995 है तो 1,000 रुपीज के ऊपर जो है इसको देखना हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली लेवल भी करीब है, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें रिस्क और रिवॉर्ड की अगर गणना करें तो दोस्तों अप्रॉक्स 12% का एक रिस्क रिवॉर्ड बनता है यहाँ पे, राइट, विच इज फाइन, अच्छा है, ठीक है। रेंज वाइज अगर 130 का भी मैं मान के चलूं और यहां से अगर इसको मैं देखूं तो दोस्तों 424 का होता है, तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, अप्रॉक्स 1:3, 1:3+ का जो है आरआर यहां से हमको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये था फ्रेंड्स, और सारे ही लेवल्स को मैं देखिए आपसे टेस्ट कराना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि हर बार जो है यहाँ से भी यानी सपोर्ट जो है यहाँ पे जो है आपका प्रोटेक्टेड है, हर बार सपोर्ट प्रोटेक्टेड है, राइट, यानी स्विंग लो जो है प्रोटेक्टेड है एंड स्विंग हाई जो है फ्रेंड्स वो नॉन प्रोटेक्टेड है, यानी
ब्रेकआउट होते हुए चलते चला जा रहा है। लेकिन इस स्टॉक का चयन करने का मतलब सिंपल है दोस्तों, ये एक लास्ट सेलर को बीट कर चुका है और सस्टेन कर रहा है, राइट। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, 1000 का इंपॉर्टेंट चूंकि साइकोलॉजिकल लेवल है तो ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कार ट्रेड में, राइट। टारगेट समझ में आ गया दोस्तों, पहला टारगेट दिस वन 1289 एंड सेकंड टारगेट दिस वन 1435 का होगा। और अगर इसने 1631 जो कि 1618 या 1600 कह लीजिए, अगर ये लेवल दोस्तों ब्रेक हो गया और इसके ऊपर काम किया तो एक बढ़िया ट्रेड यहां से जो है ये कंटिन्यू होगा। और रैली आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहां से इस रैली का आनंद अगर लिया जाए तो 71% यानी 1600 में आप 1150 का लेवल्स को ऐड कीजिए और आप समझेंगे कि एक बेहतरीन जो है यहां से हमको ट्रेड जो है देखने को मिलेगा, विच इस 2700 2800 के आसपास का जो है हमें यहाँ पे ट्रेडिंग मतलब एक तेजी देखने को मिल जाएगा, राइट। दोस्तों ये था कार ट्रेड। दूसरा आज का स्टॉक है दोस्तों हमारे पास, वो है कृष्णा डायग्नोस्टिक। बहुत पहले दोस्तों ये स्टॉक रडार पे था और इस स्टॉक में आप देखेंगे, मैं लेवल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि आसपास जो है ये लेवल्स था फ्रेंड्स, और ये लेवल्स में कुछ हमको खास देखने को नहीं मिल रहा था, राइट। अभी फिलहाल जो है ये स्टॉक जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल आप देखेंगे तो ये जो स्विंग लो है इस लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, तो इसका दोस्तों इसमें अभी ट्रेड नहीं करना है, इसका या तो ये रिट्रेसमेंट हो जाए या फिर मंथली क्लोजिंग हो जाए। अगर मंथली चार्ट को हम यहाँ पे एनालाइज करें आपको दिखेगा फ्रेंड्स के हाल फिलहाल में जो है प्राइस जो है यहाँ से जो है आपको गिरते हुए, लेकिन अच्छी बात ये है दोस्तों स्विंग लो प्रोटेक्टेड है और स्विंग्स हाई यानी एक जो ट्रायंगल पैटर्न्स आप देखेंगे इस तरीके से जो बन रहा था ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है हमको, ठीक है। और ये हुआ है हाल फिलहाल में, मैं इसे क्लीन करके यहां से जो है एक ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहां से अगर मैं ये जोन को देखिए, ये जोन यहां से ये, और इसको अगर मैं यहां से ऐसे ड्रॉ करूं, राइट, तो आपको देखिएगा फ्रेंड्स कि ये ट्रायंगल पैटर्न कहीं ना कहीं एक ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी एक अच्छा जो है रीजन है हमारे लिए, अच्छा कारण है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों 871 है, अगर ये 796 के आसपास मिल जाए ठीक है, क्योंकि फार्मा में दोस्तों बरकरार है तेजी, अभी भी जो है बरकरार है, और ये चीज मैं आपको बहुत पहले से बोलते हुए आ रहा हूँ, अच्छा खासा ब्रेकआउट है 796 के आसपास अगर मिले रेट्रेसमेंट के साथ तो अच्छी बात है, वरना मंथली क्लोजिंग होने का इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही मंथली क्लोज, अगर ये वीक होना होगा तो मंथली क्लोजिंग होते होते ये अंदर की ओर खींच देगा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। टारगेट वाइज बात की जाए दोस्तों, अगर हमको इस रेंज पे मिलता है देखिए तो हमारा स्टॉप लॉस मात्र 9% का होगा, और अभी के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस बात की जाए दोस्तों ये 16% का आ रहा है, विच इज टू मच, राइट। चले टारगेट दोस्तों यहाँ पे अच्छा होगा, सबसे पहला ही टारगेट अगर 796 के देखा जाए तो 1007 का जो है हमारा टारगेट हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स 1099 का। ये लेवल टूटने के साथ ही दोस्तों एक 700 पॉइंट का एक अच्छा खासा रैली यहाँ से हमें देखने को मिल जाएगा, यानी टारगेट ही 700 पॉइंट प्लस होगा, राइट, एड ऑन एवो हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल, राइट। चलिए नेक्स्ट कैंडल देखते हैं दोस्तों, वो देखिए वो है गोपाल स्नैक। इस स्टॉक को जरूर आप अपनी रडार पे रखिएगा, देखिए जिसमें कॉन्फिडेंस हाई हो उस स्टॉक को मैं डेफिनेटली आपसे बात करूंगा। प्रमोटर छोड़िए इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो चुकी है इस वाले में, राइट, एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन दोस्तों हमको हर एक लेवल पे देखने को मिल रहा है, लेकिन पहली बार एक बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। उससे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा देखने को मिला था, लेकिन चूंकि ये आईपीओ का मार्केट लिस्टिंग का पहला कैंडल था इसलिए हम उसे ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट है 392-400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये प्राइस फ्रेंड्स आपको आके 362 या फिर 348-350 के आसपास सस्टेन करता हुआ दिखे, यानी यहां से प्राइस आके सस्टेन करे ब्रेकआउट देने, तो भी आप जो है इसमें अपने एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर ये प्राइस है इसको ब्रेक करने दीजिए, क्योंकि अगर क्लोजिंग इस बॉडी के बिहाफ पे बात की जाए दोस्तों ये प्राइस जो है क्लोज हो चुका है, क्लोजिंग जो है इसका ये हो चुका है, राइट, एक बड़ा प्लेयर इसमें एंट्री कर रहा है, ओके। क्योंकि इस वाले कैंडल को आप नजरअंदाज कीजिएगा, क्योंकि पहले दिन है और मार्केट लिस्टिंग का पहला कैंडल है और पहला वॉल्यूम है इसमें, यू नो जो लोग आईपीओ में अपने आप को जो है पार्टिसिपेट किए थे उनका भी यहाँ पे एंट्री और एग्जिट का जो है यहाँ पे क्वांटिटी है, सो दैट्स व्हाई उसको हटा दीजिएगा। अभी तक का इसके बाद का अभी तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे प्ले करता हुआ दिखा है।
दोस्तों यहाँ पे टारगेट वाइज बात की जाए तो देखिए टारगेट सबसे पहला जो हम यहाँ से अज्यूम कर रहे हैं फ्रेंड्स विच इज 23% अप टूवर्ड्स अप्रोक्स 487,500 पॉइंट्स का जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं दोस्तों जो तीन जो सेक्टर जो अच्छे खासे चल रहे हैं, सबसे पहले पे है दोस्तों FMCG अभी भी बरकरार है, जिसमें आपका सुगर वगैरह आप जाके देखेंगे तो वो भी ठीक ठाक ही चल रहा है। दूसरा दोस्तों है हमारे पास फार्मा, ये भी काफी अच्छा काम कर रहा है। और तीसरे में दोस्तों जो है वो कुछ खास नहीं है फिर भी ठीक है दोस्तों, वो है आपका क्या बोलते हैं फाइनेंस, ठीक है ना, फाइनेंस भी ठीक ठाक जो है अभी काम कर रहा है राइट। और ये चीजें हमने आपको लास्ट टाइम भी बोली थी, लास्ट टू लास्ट वीक राइट, जब हम वीकली सीरीज जो है आपसे बात कर रहे थे उस पे राइट। तो दोस्तों ये था तीन सेक्टर जो मुझे काफी अच्छा लगा, और उनमें से ही गोपाल स्नैक है दोस्तों हाल फिलहाल में आईपीओ आया था और इसलिए इस स्टॉक को यहाँ पे चयन किया गया है राइट। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और हाँ वीडियो को आप जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आप जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्यारा सा या फिर कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।